आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप 5 मूवीज के बारे में। इन 5 मूवीज ने मेरी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया। दोस्तों, इस लॉकडाउन के बाद में जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाले हैं उसके बारे में आप लोग ऑलरेडी अवेयर हैं। मैं आप लोग को डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ। बहुत सारे इकोनॉमिक्स ने ये ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया है कि 2008 के बाद में ये बहुत बड़ा रिसेशन का टाइम आने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसके लिए प्रिपेयर रहे। ये मूवीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करने का बहुत ही प्यारा इंटेंशन है कि आपके दिमाग में एक कोई ना कोई आइडिया जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं छुपी पड़ी है, तो उसको बस बाहर निकालना है। तो आपको ये मूवीज़ न्यू आइडिया जनरेट करने में आपको ज़रूर हेल्प करेगी। तो उसमें से सबसे पहली मूवी आती है, उस मूवी का नाम है गुरु। शक्ति परिवार क्या राय है, खोल दे चारों फैक्ट्री, बनना चाहते हो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी। इस मूवी ने मुझे काफी ज्यादा इंस्पायर किया। उस मूवी का डायलॉग अभी भी मुझे याद है, सपने बड़े देखो, सपने सच होते हैं। और दोस्तों, मैंने भी एक सपना देखा। जो भी मेडिटेशन के टेक्निक्स में सीखा हूँ, मैं चाहता था कि ये सारी पूरी दुनिया को पता चले। तो इसके लिए मैंने फेसबुक के ऊपर मेरा एक पेज क्रिएट किया। लोगों ने इसको काफ़ी सराहा। 6 महीने के अंदर ही इस पेज के ऊपर 10,000 फॉलोअर्स बन गए, और देखते ही देखते ये अभी 22,000 क्रॉस कर रहा है। जिस पेज की मैं बात कर रहा हूँ, उस पेज का नाम है मोटिवेशनल सोल्स। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, चाहे तो आप इस पेज को चेक कर सकते हैं, और चाहे तो आप इस पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। सेकेंड मूवी, फॉरेस्ट गंप। इस मूवी को कई सारे अवार्ड्स मिले हैं। ये मूवी तब चर्चा में आई जब इस मूवी के बारे में अलीबाबा के जो फाउंडर है जैक मा, उन्होंने इस मूवी के बारे में बताया। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इस मूवी के बारे में जिक्र किया। अगर आपने उनका वो इंटरव्यू नहीं देखा है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ऊपर का जो आई बटन आपको दिख रहा है, वहाँ पे आप क्लिक करके उनका इंटरव्यू ज़रूर देखिएगा। इस मूवी में एक छोटे बच्चे की कहानी दिखाई गई है कि जो बच्चा बिल्कुल बुद्धू है, उसका आईक्यू लेवल बिल्कुल कम है, बाकी बच्चों से वो कॉम्पीट भी नहीं कर सकता। इस मूवी के अंदर नेवर गिव अप एटीट्यूड अगर आप आपकी ज़िंदगी में रखेंगे, तो आप आपकी ज़िंदगी में कई सारी ऊँचाइयाँ आप पा सकते हैं। इस मूवी में एग्जैक्टली बताया गया है। वन ऑफ द फेवरेट मूवी है मेरी। हाँ, ये मूवी थोड़ी लेंदी है, लेकिन ये मूवी आप एंड तक ज़रूर देखना। इस मूवी के अंदर आपको कई सारे इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल सीन्स मिलेंगे कि जिसको देखकर आपके मन में कोई ना कोई एक नया आइडिया तो ज़रूर क्रिएट होगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये मूवी आप ज़रूर देखिए। थर्ड मूवी आती है, उस मूवी का नाम है 3 इडियट्स। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस, एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। आप एक्सेलेंस के पीछे भागोगे तो कामयाबी झक मारते हुए आपके पीछे चली आएगी। ये डायलॉग मुझे बहुत पसंद आया इस मूवी से। इंजीनियर बनके फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, फिर जिंदगी भर आपको कोसूंगा। बेहतर यही ना कि मैं अपने आप को कोसूं। अरे हंसेंगे लोग, कहेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया। वो अपने कपूर साहब कह रहे थे कि खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा बेटा आईसीई में पढ़ता है, वो क्या सोचेंगे। जब भी हम कोई भी काम करने लगते हैं, तो सबसे पहले हम दुनिया के बारे में सोचते हैं कि दुनिया क्या कहेगी। तो सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। जब मैंने ये पेज स्टार्ट किया था, तब कई सारे क्रिटिक्स आए थे, कई सारे ऐसे लोग आए थे, कई सारे लोगों ने ऐसा कहा भी था, क्या कर रहा है, इससे क्या होने वाला है, क्या हासिल करना चाहता है। आज मैं खुद को बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मुझे अभी के दिनों में मुझे US, कनाडा, फिलीपींस, कुवैत, ओमान, कतार, दुबई, इन अलग अलग कंट्रीज से, इवन साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है कि वहाँ से मुझे कॉल्स आते हैं और लोग अपने प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, और उसके ऊपर मैं उनको काफ़ी सिंपल टेक्निक्स जो मैंने खुद सीखे हैं मेडिटेशन के थ्रू, वो मैं उनको बताता हूँ, और उनकी लाइफ में भी चेंज आता है, और 100% आता है, क्योंकि ये एक प्रूवन फॉर्मूला है कि जिस फॉर्मूला को अगर आप में से कोई भी फॉलो करता है, तो रिजल्ट 100% आएगा।
फोर्थ मूवी आती है, अगेन दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट मूवी, रंग दे बसंती। जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। इस मूवी में एग्जैक्टली बताया गया है, बी पार्ट ऑफ द सिस्टम और चेंज द सिस्टम। अगर आपको चेंज लाना है तो आपके अंदर लाना है, और आपके अंदर का चेंज कैसे लाए, इसके लिए आपको दुनिया को बदलने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको खुद को बदलने की ज़रूरत है। इस मूवी में कई सारे ऐसे पड़ाव आएंगे कि जहाँ पे आपको ढेर सारी लर्निंग्स मिलेंगी, तो मैं चाहता हूँ कि ये मूवी भी आप ज़रूर देखें। फिफ्थ मूवी आती है द फाउंडर। आप लोगों ने मैकडोनल्ड में जाके बर्गर तो ज़रूर खाया होगा, लेकिन उस बर्गर की फ्रेंचाइजी सिस्टम बनाने के पीछे एक आदमी, उस आदमी का नाम है रे क्रॉक। जी हाँ, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या फिर एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तब मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये मूवी आप ज़रूर देखिए। इस मूवी में एग्जैक्टली बताया गया है फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल वर्क कैसे करता है, और एक छोटे बिजनेस को आप बड़े स्केल में कैसे डेवलप कर सकते हैं, इस मूवी के अंदर ये एग्जैक्टली बताया गया है। तो ये पांच मूवीज़ है। अगर आपको लगता है इस पांच मूवीज़ के अलावा भी कोई ऐसी मूवीज़ है कि जिन्होंने आपको इंस्पायर किया है, तो प्लीज़ कमेंट में जाके ज़रूर लिखिएगा। जो भी लोग ये कमेंट्स रीड करेंगे तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी और मेरी भी हेल्प हो जाएगी, तो मैं भी आपके कमेंट्स जाके ज़रूर पढ़ूंगा और उसके ऊपर आपको पर्सनली रिप्लाई भी दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।